आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली भाई AEW को छोड़ने वाले हैं और वो WWE के अंदर आने वाले हैं। और जो फोटो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इस फोटो के ऊपर यकीन करना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया, आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के बारे में कि ये कब WWE के अंदर आ सकते हैं। जॉन मॉक्सली को काफी ज्यादा लंबा चौड़ा समय हो गया और वो AEW के अंदर जाकर सेटल हो गए। हम लोग रोमन रेंज को देख सकते हैं, हम लोग सेट रॉलिंस को देख सकते हैं। जो शील्ड हुआ करते थे रोमन रेंज, सेट रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस की, उसमें से दो बंदे रोमन रेंज और सेट रॉलिंस तो आज भी WWE के अंदर राज कर रहे हैं। WWE काफी ज्यादा बेकार बुक भी कर रहे थे जॉन मॉक्सली को, और वो जॉन मॉक्सली नहीं कर पा रहे थे WWE के अंदर जो कि वो AEW के अंदर कर पा रहे हैं। लेकिन अब फैंस की एक ही सलाह है जॉन मॉक्सली, वो कह रहे हैं कि आप फिर से WWE के अंदर चले जाओ, AEW में रह के आपको कोई फायदा नहीं, आप वैसे खुद को चोट पहुंचा रहे हो, खुद को भाई ब्रूटल मैचेस के अंदर डाल रहे हो, तो इससे बढ़िया तो आप WWE के अंदर ही चले जाओ। वो पहले वाले WWE नहीं है जिनको आपने छोड़ा था, अब WWE काफी ज्यादा बदल चुके हैं। वहाँ पे विंस नहीं है, वहाँ पे ट्रिपल एच कह रहा है। तो फैंस बस यही सलाह दे रहे हैं जॉन मॉक्सली को, आप AEW के अंदर मत रहो, आप वापस WWE के अंदर चले जाओ। भाई सारी चीजें जॉन मॉक्सली के ऊपर थोड़ी है, उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। अगर वो भी WWE के अंदर आना चाहे तो वो आ ही नहीं सकते, लेकिन 2027 के बाद वो WWE के अंदर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है 2027 के बाद में शायद से डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर देखने को मिले, क्योंकि फैंस ऐसा खुद चाह रहे हैं। बाकी क्या लगता है, क्या जॉन मॉक्सली वापस कभी WWE के अंदर आ पाएंगे या नहीं, आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं CM Punk और Drew McIntyre के बारे में। तो इन दोनों के भाई एक ऐसी फोटो निकल के सामने आई है जिसपे यकीन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आप नहीं तो क्या भाई, कोई भी यकीन नहीं करेगा इस फोटो के ऊपर। लगता नहीं है बिल्कुल भी कि ये इतने अच्छे दोस्त हो सकते हैं जितने तो भाई WWE के ऊपर दिखाई नहीं जाते हमको। जितने अच्छे ये दुश्मन है उतने अच्छे ही ये दोस्त है। तो आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ये रॉ के शुरुआत होने की पहले की फोटो है जहाँ पे रॉ स्टार्ट हो रहा होता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले CM Punk है, उनके साथ में बिल्कुल Drew McIntyre खड़े हुए हैं। अब ये दोनों इतने खुशी से खड़े हैं कि लगता है नहीं कि इनके बीच में कोई दुश्मनी है, इतनी खुशी में खड़े हैं तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों इतने गंदे दुश्मन है। और ये तो उनके हर बार का है जब भी रॉ के ऊपर ये दोनों आमने सामने आते हैं, इनके बीच में मारपीट तो देखने को मिलती मिलती है, लेकिन ऐसी फोटो निकल के सामने है इसके ऊपर यकीन करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। फोटो को देखकर भाई काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है, काफी ज्यादा हंसी भी आ रही है। आप लोग अपने रिएक्शन बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको ये फोटो कैसी लगी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स और रॉक के बारे में। तो ये प्रेडिक्शन है कि रॉयल रंबल 2025 के अंदर इनका मैच होने वाला है सिंगल सिंगल। कोडी रोड्स फेस करेंगे रॉक को उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच के अंदर फाइनली रॉक डिथ्रोन करेंगे कोडी रोड्स को, और फिर रॉक बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और वो रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे। लेकिन जो कोडी रोड्स और रॉक का मैच है रॉयल रंबल के अंदर कैसे हो सकता है, जबकि ये तो रेसलमेनिया के लेवल का मैच है। मुझे लगता है कि रॉयल रंबल के अंदर इन दोनों का मैच होगा, हमें शायद से रेसलमेनिया 41 के अंदर इन दोनों का सिंगल सिंगल मैच देखने को मिलेगा। बाकी अगर WWE करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बोलो बताना कि आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का मैच रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है या फिर नहीं। बाकी आज इस वीडियो को लिए कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूं सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।